हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद पीपल। सो आज हम एक और टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अंडरस्टैंडिंग डिस्क्रिप्शन लिस्ट इन एचटीएमएल फाइल। व्हाट इज एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट? इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स एंड यूज्ड टू इम्प्लीमेंट अ ग्लोसरी और मेटा डेटा। सो इट समहाउ अफेक्ट्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? ये हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कि हमारा जो वेबसाइट है उसकी जो रैंक है गूगल पे, कि वो फर्स्ट आ जाए गूगल पेज पे, तो हम उसके लिए एसईओ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो उसके लिए, तो उसके डिस्क्रिप्शन में हम ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं कि फिर वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में उसकी हेल्प कर देती है। सो एलिमेंट पार डिस्क्रिप्शन लिस्ट। एलिमेंट नंबर वन, इट डिफाइन अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इट इनक्लोज अ ग्रुप ऑफ टर्म। DL ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए इस्तेमाल होती है ग्रुप टर्म्स के लिए। DT, इट इज इनक्लोज बाय DL एलिमेंट, इट डिफाइन अ डिस्क्रिप्शन टर्म्स। DT जो डेटा टर्म होती है, मतलब DL के अंदर ही DT होती है। DDD, इट इज इनक्लोज बाय DL एलिमेंट, इट डिफाइन डिस्क्रिप्शन डिटेल। ये डिस्क्रिप्शन के डिटेल बता देती है। ये एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, एग्जांपल को आप देख सकते हैं। सो DL के अंदर DT लिखा हुआ है, फिर DD लिखा हुआ है, तो हम इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो चले विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं। विजुअल स्टूडियो को ओपन कर देते हैं। हाँ, तो हमने इधर एक फाइल क्रिएट किया index.html के एक्सटेंशन के साथ। तो अभी इसको, इसमें हम कोडिंग करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट किस तरह क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम डॉक टाइप और ये मेटा टैग लिखेंगे, टाइटल। सो टाइटल डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। सो डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। और फिर इसके अंदर ही अभी हम DLD DT और DL हम लिखेंगे कि किस तरह उसकी यूजेज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम DL क्रिएट कर रहे हैं, सॉरी DL DL के अंदर DT थी, और DT के अंदर मैं लिख रहा हूँ डॉग, ठीक है। और उसके अंदर ही DD यानी उसकी डिस्क्रिप्शन थी। सो इट हैज अ टेल, ठीक है। और फिर मैं दूसरा भी क्रिएट कर रहा हूँ, DT यानी कैट DD इट डज मियो। और इसके बाद DT माउस DD इट इज स्मॉल साइज, ठीक है। तो ये मैंने डील और डीटी और डीटी का डिस्क्रिप्शन क्रिएट किया। अभी हम इसको चलते हैं लाइव, देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आया है। तो ये इसका आउटपुट आया है, ये DT है और ये इसका डिस्क्रिप्शन है, इट हैज़ अ टेल, इट हैज़ डज मियो, इट इज़ स्मॉल इन साइज। तो ये डिस्क्रिप्शन इसका आया हुआ है, ठीक है। फिर हम इसको स्टाइलिंग किस तरह बनाएंगे, तो चले इसकी स्टाइलिंग कर देते हैं। तो स्टाइलिंग बनाने के बाद हमने इधर एक इसका स्टाइल क्रिएट करना है एट्रीब्यूट। सो स्टाइल के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले टाइप बतानी है text/css, और उसके बाद हमने जो चीज़ भी इसकी स्टाइलिंग करनी है तो इधर लिखना है, ठीक है।
तो इधर मैं मैंने क्रिएट किया, और DT क्रिएट करने के बाद हमने उसका फॉन्ट चेंज करना है, तो मैंने फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया। ठीक है, फिर सेव कर देते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका जो फॉन्ट है वो बोल्ड हो गया है अभी। तो DD में हम किस तरह स्टाइलिंग देंगे, तो मैं इधर लिख रहा हूँ फॉन्ट स्टाइल के अंदर मैं लिख रहा हूँ इटालिक। तो इसको सेव कर देते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरह आया है। तो ये आप देख सकते हैं इसका फॉन्ट चेंज हो गया है, इसका स्टाइलिंग तो ये इटालिक में आया हुआ है। तो इस तरह हम इसको स्टाइलिश बना सकते हैं। तो अगर आपने हमारे पिछले प्लेलिस्ट और वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।